वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा बड़ी खबरें। तालिबान ने अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध के समाप्ति की घोषणा कर दी है, क्योंकि अब काबुल में तालिबान की सरकार होगी। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने बताया कि अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार बनेगी। अभी तक अली अहमद जलाली के चीफ बनने की खबरें थी, लेकिन मुजाहिद ने बताया कि तालिबान को अहमद जलाली का चीफ बनना मंजूर नहीं है और ना ही हम उनके समर्थन में हैं। महिलाओं की आजादी पर वो बोले कि औरतों को पढ़ाई करने की तो इजाजत होगी, लेकिन उन्हें इस्लामिक शरिया कानून का सख्ती के साथ पालन करना होगा। इसके अलावा बताया कि महिलाओं का हिजाब पहनना भी अनिवार्य होगा। बता दें कि तालिबान के कब्जे से सबसे ज्यादा डर महिलाओं को अपनी आजादी का है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक भी कदम पीछे ले चुके हैं और राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में अफगान तालिबान के कब्जे में हैं। भारत में अफगान एम्बेसी के प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल्ला आजाद बताते हैं कि ट्विटर में भी कुछ अजीब हो रहा है। मैंने अफगान एम्बेसी इंडिया के ट्विटर अकाउंट का एक्सेस खो दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरे ट्विटर अकाउंट को हैक किया हो। अफगान एम्बेसी इंडिया के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट है जिसमें एम्बेसी बता रही है कि अशराफ गनी अपने गुंडों के साथ भाग गए हैं और उन्होंने सब बर्बाद कर दिया है। ऊपर वाला गद्दारों को सजा देगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदैव अटल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ओम बिरला ने अपने ट्विटर हैंडल पर वाजपेयी जी की कविता मैं हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा लिखकर उन्हें याद किया। मुंबई में हो रही कोरोना की वापसी। हाल ही में मुंबई में कोरोना के 267 नए मामले आए, 308 लोग रिकवर हुए और 4 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में अभी तक 7,39,333 कोरोना के मामले आए हैं, जिसमें 8,18,083 लोग रिकवर हुए और 15,989 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके अलावा मिजोरम में भी पिछले 24 घंटों में 249 नए केसेस सामने आए और एक की मौत हो गई। अभी तक मिजोरम में 182 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर नवरोज की मुबारकबाद दी। लिखते हैं कि पारसी समाज को नवरोज की बधाई। मेरी कामना है कि आप भारत के विकास और समृद्धि में अपना अद्भुत योगदान दें। पारसी नववर्ष पर आप सभी को के जीवन में शांति, खुशियां और समृद्धि आए। साथ ही बोले कि देश में शांति और भाईचारा बना रहे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया, एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।